हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज ये हमारा ज्योग्राफी का क्लास नंबर फर्स्ट। जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, कंप्लीट ज्योग्राफी आपका दो लेक्चर में कवर करा दूंगा, जिसमें से आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट हाफ कवर करने वाले हैं, जिसमें हम यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ, एटमोस्फेयर के बारे में डिटेल से कवर करेंगे और नेक्स्ट हाफ में हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को डिटेल से कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इतने डिटेल से आज ज्योग्राफी आपको कवर कराने वाला हूं। अगर आपने ये लेक्चर लास्ट तक देख लिया ना, आपको कभी भी ज्योग्राफी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत जल्द फिल्म शुरू होने वाली है। और हाँ यार, पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी प्यारी प्यारी कमेंट मैं सभी पढ़ता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू हो रही है हमारी ज्योग्राफी की आज क्लास फर्स्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स यूनिवर्स। हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से, इसलिए ध्यान को बिल्कुल भी हटाइएगा मत। सबसे पहले तो ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं। काफी इंटरव्यूज में पूछ ले जाता है कि ज्योग्राफी है क्या। देखिए फ्रेंड, जो ज्योग्राफी है ये दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारा जियो, जीईओ, जिसका मतलब होता है अर्थ, और प्लस हमारा ग्राफी, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में। तो ये पूरा हो गया अर्थ का डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम यहां पर अर्थ का वर्णन कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी का ये मतलब होता है। और ज्योग्राफी के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम कहीं पर यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। बहुत बड़े बड़े जो कोर्सेज होते हैं ना, उसमें कॉस्मोलॉजी एक अलग ही सेक्शन होता है, एक अलग ही सब्जेक्ट होता है। तो याद रखिएगा, यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्स हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सोच रहे हो कि डायरेक्ट सोलर सिस्टम पर चला जाऊं, लेकिन सोलर सिस्टम से पहले बात आती है ब्रह्मांड की। जो हमारी ब्रह्मांड है, जो गैलेक्सी है जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि जिसमें सन है और उसके चारों ओर जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट घूम रहे हैं, ये कहां से आया, यानी कि हमारी गैलेक्सी का उत्पत्ति कहां से हुई, निर्माण कहां से हुआ उस ब्रह्मांड का। तो इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा आज से लगभग कुछ साल पहले, कुछ नहीं बहुत ज्यादा साल पहले, यानी कि आज से 15 बिलियन साल पहले की बात है। एक बहुत बड़ा फायर बॉडी, यानी कि एक आग का गोला एग्जिस्ट करता था। उस टाइम पर टाइम समय कुछ भी नहीं था, कोई भी प्लेनेट नहीं था, केवल एक बहुत बड़ा आग का गोला था, बहुत बड़ा। अचानक से एक सेकंड से भी कम में उसमें एक बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके बाद उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी रिलीज हुई, इस प्रकार जो कि आप देख रहे हो एनर्जी रिलीज हुई, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल उसके अंदर से रिलीज हुई, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस उसके अंदर से रिलीज हुई, और उसके विस्फोट होने के बाद निर्माण होता है हमारे यूनिवर्स का, यानी कि टाइम धीरे धीरे एग्जिस्ट करने लग जाता है, और उस यूनिवर्स यानी कि उस अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारी गैसेज घूमने लग जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम घूमने लग जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल और मटीरियल घूमने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे वो सब कुछ घूम रहे हैं इस विस्फोट के बाद। अब क्या होता है, धीरे धीरे कुछ हजार साल बीतते हैं, वो हजार साल बीतने के बाद जो गैसेस घूम रही थी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाती हैं एक फोर्स के चलते, जिसको हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से। जब वो गैसेस अट्रैक्ट होने लग जाती हैं तो बहुत बड़े बड़े गैस के गोले बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको आज हम जानते हैं प्लेनेट के नाम से, ठीक है। बहुत सारी जो ओर्स है, मटेरियल है, पार्टिकल है, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल है, वो भी एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और एक झुंड बना लेते हैं, इकट्ठा होने लग जाते हैं, और वो भी हमारे कुछ बड़े बड़े एस्ट्रॉइड या फिर पार्टिकल या फिर ग्रह बन के तैयार होते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो ग्रह हैं, जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, ये कंप्लीटली गैस के ग्रह हैं, तो ये ग्रह इस तरीके से बने थे। और जो सॉलिड मटेरियल से ग्रह बने, जैसे कि अर्थ है, मार्स है, ये सॉलिड मटेरियल, और कुछ डबल सरफेस के ग्रह भी हैं, जैसे कि मरकरी हो गया, वीनस हो गया, यानी कि गैस भी है और सॉलिड सरफेस भी है, तो इनको बोलते हैं ग्रह। तो ऐसे ग्रह का निर्माण हुआ। अभी यूनिवर्स की ही बात हो रही है, गैलेक्सी में हम नहीं पहुंचे, ठीक है, यानी कि अभी यूनिवर्स में ही ये घूम रहे हैं अलग अलग, कहां पर, सोलर सिस्टम नहीं है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो गैसेज थी उन्होंने भी एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, और गैसेज के चलते कुछ रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि जब हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और इस रिएक्शन के बाद एक एनर्जी रिलीज होती है, जो कि आज सन हमारे ऊपर छोड़ रहा है। जो सन के अंदर से एनर्जी निकल रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही निकल रही है, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे ये होने लग गई तो बहुत सारे स्टार बनने शुरू हो गए, यानी कि तारे जिनको हम जानते हैं, यानी कि वो हमारे ऊपर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो वो भी घूम रहे हैं। अब क्या होता है,
धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और इसके चलते ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सीज बनना शुरू हो जाती है, यानी कि नंबर ऑफ गैलेक्सीज, बिलियन नंबर ऑफ गैलेक्सीज बनना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी गैलेक्सी ब्रह्मांड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से एक को हम जानते हैं आज मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से, ठीक है, जो कि इस तरीके से दिखाई देती है। यहां पर आपको कुछ घुमाव टाइप दिखाई दे रहा हो, इसको ही बोलते हैं स्पाइरल। तो हमारी जो गैलेक्सी है वो कैसी है, स्पाइरल है। अब जो मैंने आपको बताया था कि एक आग के गोले में विस्फोट हुआ है, उसको हम कहते हैं बिग बैंग, ठीक है। जो हमें पता चला ना कि यूनिवर्स का निर्माण कहां से हुआ, वो हमें पता चलता है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत के थ्रू। तो वो बिग बैंग हुआ था, क्लियर है ये चीज, समझ गए ना कैसे बना। तो बहुत सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक हमारी मिल्की वे, जिसको हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा सन एग्जिस्ट करता है और उसके चारों ओर बहुत सारे हमारे 8 प्लेनेट घूम रहे हैं और उनकी बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट भी घूम रही हैं। तो ये बन गया हमारा एक गैलेक्सी, एक गैलेक्सी नहीं है, बिलियन नंबर ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स के अंदर, क्लियर है ये चीज। आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखें फ्रेंड, अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें तो वो कुछ इस टाइप की दिखाई देती है, ठीक है, मिल्की वे इस टाइप की दिखाई देती है, जिसमें से एक हमारा सन है। मैंने आपको बताया सन क्या है, एक तारा है, एक स्टार है, जो कि कैसे बना, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एक आग का गोला है जिसमें रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, यानी कि जो हाइड्रोजन है हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। इसके चारों ओर बहुत सारे हमारे ग्रह घूम रहे हैं, एक एक के बारे में डिटेल से बताऊंगा। बहुत सारे तारे भी एग्जिस्ट करते हैं, सन भी एक तारा है, लेकिन जो तारे हैं वो बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखा देते हैं, जिसमें से एक साइरस है जिसको डॉग स्टार बोलते हैं, जो कि पृथ्वी से नेकडाई से देखा जा सकता है। तो इस टाइप का ये पूरा सिस्टम दिखाई देता है। अब थोड़ा और डिटेल से सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ें, सोलर सिस्टम जो कि हम जहां पर हम एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इस सोलर सिस्टम में एक हमारी अर्थ पृथ्वी भी घूम रही है, जिसके ऊपर फिलहाल हम हैं, तो इसके बारे में ध्यान से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बीच में हीरो ऑफ सोलर सिस्टम है, यानी कि सन है। अब देखिए, सभी लोग जब अर्थ के ऊपर आप रह रहे हो, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, सब लोग सूरज को कोसने लग जाते हैं कि यार इतनी गर्मी बरसा रहे हमारे ऊपर, बिल्कुल जला के रख दिया हम तो, यानी कि सूरज की एक विलन टाइप इमेज माइंड में बनी हुई है सभी लोगों के। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो सन है ना वो सूरज नहीं है इस सोलर सिस्टम का, वो हीरो है, हीरो ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर सन नहीं है ना तो ये सोलर सिस्टम नहीं है, हम नहीं है, ये जो पूरा घुमाव बन रहा है ना, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है। सन की वजह से ये सब कुछ टिका हुआ है, सन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है हमारे ऊपर, तब हम यहां पर जीवित रह पा रहे हैं। और ये कहा गया है एक थ्योरी के अनुसार, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, कि आज से लगभग 50 करोड़ साल बाद सन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इतनी भयंकर आग बरसाएगा, जिसके बाद उसमें जबरदस्त विस्फोट होगा, यानी कि सन खुद को नष्ट कर लेगा और ये जो सोलर सिस्टम है, पृथ्वी, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा आज से 50 करोड़ साल बाद। ये चीज फैक्ट है, रियल है ये चीज, यानी कि इसके ऊपर रिसर्च हुई है। तो बात कर रहे थे हमारे सोलर सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसको सौर मंडल। तो ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, सन है, इसके चारों ओर 8 डिफरेंट प्लेनेट रिवॉल्व, यानी कि घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और जो कि सभी प्लेनेट अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं, यानी कि अपने रोटेशन भी करते रहते हैं। आगे एक एक के बारे में डिटेल से बताऊंगा। टोटल 8 प्लेनेट हैं, जिनमें से एक हमारा मरकरी है, एक हमारा वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, साथ ही सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। अब इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट है, सारे जो प्लेनेट हैं वो एक दिशा में घूम रहे हैं, दो प्लेनेट को छोड़कर सारे जो प्लेनेट हैं, ये निशान देखिए, वो हमारे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। देखिए, मरकरी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये जो अर्थ है वो भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उसके बाद मार्स भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन जो हमारे दो प्लेनेट है, जिसमें से एक वीनस है और एक हमारा यूरेनस है, वो हमारे क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि ये विपरीत दिशा में, बाकी ग्रहों के कंपैरिजन में उल्टी दिशा में ये चक्कर लगाते हैं सूरज के। ये हमारे चक्कर लगा रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट दिशा में, बाकी वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट चल रहे हैं। देखिए, ये नोट कर लीजिएगा, ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है, वीनस और यूरेनस दोनों उल्टी दिशा में बाकी ग्रह के कंपैरिजन में चक्कर लगाते हैं, क्लियर है ये चीज। तो चलिए, समझ गए ना इसको। और एक बीच में यहां पर आप बेल्ट टाइप बना हुआ देख रहे होंगे, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट बनी हुई है, यानी कि जिसके ऊपर बहुत सारे जो एस्ट्रॉइड, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो
पत्थर और से मिलकर, गैसेस से मिलकर कुछ पदार्थ बन जाते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल, वो चक्कर भी लगाते हैं, उनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ा सा डिटेल से समझ लीजिए, ये हमारे लाइन में सारे ग्रह हैं जिसमें से एक हमारा मरकरी है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके नाम हिंदी मीडियम वाले ऑब्वियसली नाम में कंफ्यूज होंगे। मरकरी जो है, मैं एक एक के नाम हिंदी में बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। मरकरी को बोला जाता है बुध ग्रह, वीनस को बोला जाता है शुक्र ग्रह, अर्थ को पृथ्वी, मार्स को मंगल ग्रह, जुपिटर जो है बृहस्पति ग्रह, सैटर्न हमारा शनि ग्रह, बाद में यूरेनस आ जाता है, अरुण, नेपच्यून है हमारा वरुण ग्रह, और एक और हुआ करता था प्लूटो, जो यहां पर आप छोटा सा दिखाई दे रहा होगा ना आपको प्लूटो, लेकिन ये ग्रह नहीं है। इसको पहले ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन 24 अगस्त 2006 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एसोसिएशन ने ये जारी कर दिया था, यानी कि ये फैसला लिया था कि इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल देते हैं प्लूटो को, क्योंकि जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो ग्रह के साथ मैच नहीं करती। एक तो ये सन से भी बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए ये एक ग्रह नहीं है प्लूटो, ठीक है। इसको एक बार नोवा ग्रह का दर्जा मिला था, क्लियर है। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी, एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड होते क्या है। अब देखिए, सन के चारों ओर केवल ग्रह ही चक्कर नहीं लगा रहे हैं, एस्ट्रॉइड भी हैं जो कि चक्कर लगा रहे हैं। एस्ट्रॉइड हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो एकजुट इकट्ठा हो जाती है ना, मलबा हम कह सकते हैं, जो इकट्ठा हो जाते हैं उससे ये एस्ट्रॉइड बनते हैं, और ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो इनको बोलते हैं हम एस्ट्रॉइड, यानी कि एक बहुत बड़ी चट्टान कह सकते हैं, और इनका साइज इतना बड़ा बड़ा होता है, ग्रह जितना साइज भी इनका बड़ा हो सकता है। काफी सारे देश जैसे कि चाइना है, चाइना ने तो इनके ऊपर अपने रोबोट यानी कि रोवर भेज दिए हैं, क्योंकि उनको शक है जो एस्ट्रॉइड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बना है, तो उनको लगता है कि यहां पर सोना चांदी हीरे मिल सकते हैं, यानी कि सोना जो है मिलने के चांसेस हैं। एक होता है हमारा कोमेट, कोमेट्स होता है, कोमेट्स किसे बोलते हैं, कोमेट्स जो होता है वो भी हमारे अंतरिक्ष में ही घूमते रहते हैं, ये अलग अलग टाइप की गैसेस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, धूल मिट्टी गैसेस से मिलकर बने होते हैं, इनको बोलते हैं हम कोमेट्स। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं डिटेल से भाई हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हीरो ऑफ सोलर सिस्टम जो कि है सन, सूरज के बारे में बात करते हैं, जो कि एक जलता हुआ अंगारा, यानी कि आग का अंगारा है ना, इस टाइप का ये होता है, और इसके अंदर से आग कैसे निकल रही है, आग नहीं ये एक एनर्जी है, कैसे निकलती है बता चुका हूं, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही होती है, तब इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है, और यही एक एनर्जी इसमें से निकलती है। सन के ऊपर जो गैस की मात्रा है वो 71% हाइड्रोजन गैस है, और 26.5% हीलियम गैस है, और बाकी 2.5 अदर गैसेस इसके ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, मैंने आपको बता दिया। टेम्परेचर देखिए, जो सन है इसकी दो सतह होती है, एक जो बाहरी सतह है उसको बोला जाता है कोरोना, कोरोना तो बड़ा अजीब सा लगता है, बाहरी जो सतह है इसको बोला जाता है सूरज की कोरोना, और जो इनर सरफेस है यानी कि भीतरी सतह है उसको बोला जाता है कोर। जो बाहरी सतह का टेम्परेचर है सूरज का वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, अपने आप में बहुत भयंकर टेम्परेचर है। साथ ही रिवॉल्यूशन इन गैलेक्सी, आपको लगता है कि भाई गैलेक्सी के अंदर सूरज जो है वो स्टेबल है, लेकिन नहीं, सूरज स्टेबल नहीं है, वो भी गैलेक्सी का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, उसके चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रहा है, यानी कि चक्कर लगा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर कितने दिन में लगा लेता है सूरज, तो वो देखिए रिवॉल्यूशन इन गैलेक्सी 22.5 यानी कि 22.5 से लेकर 25 करोड़ साल में एक गैलेक्सी का चक्कर लगा पाता है सूरज। जब सूरज चलता है उसके साथ साथ पूरा हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी कि सभी ग्रह अर्थ वगैरह वो भी उसके साथ साथ चलते रहते हैं, तो सूरज भी भाई रिवॉल्यूशन कर रहा है और लगभग 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगा पाता है, तो अभी तक सोच लीजिएगा कितने चक्कर लगाए हैं। अब बात करते हैं भाई स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ सनलाइट की, जो सनलाइट पृथ्वी के ऊपर आ रही है उसकी स्पीड कितनी है, रफ्तार कितनी है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 300,000 किलोमीटर एक सेकंड में ये चल रही है, इसकी रफ्तार है स्पीड ऑफ सनलाइट। सनलाइट टू अर्थ यानी कि जो सनलाइट है वो अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लेती है, पॉइंट है लिख लीजिएगा 8 मिनट 16.6 सेकंड, यानी कि सूरज की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचने में टाइम लेती हैं 8 मिनट 16.6 सेकंड, नोट करिएगा इसको भी। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ यानी कि जो दूरी है सन की अर्थ से वो लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर है। नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी जो सबसे
नियर मतलब स्टार है सूरज के, वो प्रोक्सिमा सेंचुरी, एक तारा है जो सूरज के सबसे नजदीक है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये हो गया सन के बारे में। बाकी ये जो आप देख रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट हैं उनकी यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है कि एक चक्कर सन का कितने टाइम में पूरा कर लेते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक एक प्लेनेट को एक बार कवर कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्लेनेट आता है वह है मरकरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह। ये सबसे छोटा प्लेनेट माना जाता है सोलर सिस्टम का, और सूरज के सबसे नजदीक का जो प्लेनेट है वो मरकरी ही है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 5.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर ये सूरज से है। रिवॉल्यूशन 88 दिन में ये सूरज का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, और साथ ही ये टेम्परेचर जो इसका है वो 6000 डिग्री सेल्सियस मरकरी का टेम्परेचर है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट इस ग्रह के ऊपर पाया जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। तो ये जो ग्रह है एक तरीके से सॉलिड प्लस दो सरफेस का है, सॉलिड और लिक्विडिक इसको माना जाता है, यानी कि थर्मोमीटर जो आपने देखा होगा उसके अंदर जो मरकरी भरा रहता है ना, तो इसी टाइप का मटेरियल आपको मरकरी ग्रह के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ मरकरी ग्रह दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद आता है हमारा दूसरा ग्रह जो कि सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट माना जाता है, जिसका नाम है वीनस। हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो इसको बोलेंगे शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, यानी कि सुबह का तारा और शाम का तारा। वो इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि वीनस को पृथ्वी से नेक्ड आइज यानी कि आंखों से देखा जा सकता है। सुबह में ये पूर्व की साइड में दिखाई देता है और शाम में ये पश्चिमी की साइड में दिखाई देता है। साथ ही विजिबल, ये तो मैंने आपको बता दिया, रिवॉल्यूशन 225 दिन में एक चक्कर सूरज का ये पूरा कर लेता है। साथ ही हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से प्लेनेट का होता है, तो आप सीधे सीधे आंसर लगा दोगे कि भाई वीनस, शुक्र ग्रह का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। ये कहा जाता है कि जो एक प्रेशर कुकर के अंदर गर्मी होती है ना, प्रेशर कुकर का जो टेम्परेचर होता है वो इस ग्रह के ऊपर होता है, और इसको सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है क्योंकि ये अर्थ के सबसे नजदीक है। अर्थ के सबसे नजदीक होते हुए भी वैज्ञानिक इसके ऊपर कोई सैटेलाइट वगैरह नहीं भेजते, ना ही इसके ऊपर जाने की कोशिश करते, बिकॉज ऑफ इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है, और इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती रहती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो इसके ऊपर वैज्ञानिक जाके क्या करेंगे, तो गैस इसके ऊपर है और थोड़ा सॉलिड सरफेस इसके ऊपर इस टाइप का दिखाई दे दिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर घूम रही है। बात करते हैं थर्ड प्लेनेट के बारे में जो कि हम सबका प्यारा है अर्थ, यानी कि फिफ्थ बिगेस्ट प्लेनेट इसको कहा जाता है, और इसको ब्लू प्लेनेट या फिर हरित ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक लोता ग्रह है जिसके ऊपर पानी अवेलेबल है और जिसके ऊपर हरियाली अवेलेबल है, जिसके ऊपर जीवन संभव है। अब इसका जो रोटेशन है यानी कि अर्थ जो है वो अपनी धुरी पर भी घूमती है, सूरज का चक्कर ऐसे तो लगा ही रही है लेकिन अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है जैसे कि सभी ग्रह करते हैं। जो रोटेशन ये करते हैं वेस्ट टू ईस्ट करती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ ये अपना रोटेट करती है, यानी कि इस तरीके से घूमती है, ऐसे 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 चलती है, यानी कि ऐसे तो घूम ही रही है और ये ऐसे भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो इसका रोटेशन पीरियड है यानी कि जो एक चक्कर लगाने में टाइम लेती है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, यानी कि एक चक्कर लगा लेती है, और इस रोटेशन की वजह से पृथ्वी के ऊपर दिन और रात होती है, ठीक है, क्योंकि जब सूरज की साइड में एक एक सरफेस है तो इसके ऊपर दिन है, जब वो घूम जाएगा तो जो दूसरी साइड सूरज की विपरीत दिशा में हो जाएगी तो वहां पर रात हो जाएगी। रिवॉल्यूशन यानी कि एक सूरज का चक्कर कितने टाइम में लगा लेती है पृथ्वी, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड। नोट करिएगा ये टर्म, यानी कि एक सूरज का चक्कर लगाने में पृथ्वी टाइम ले रही है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर समझाऊंगा, आपने हमेशा एक चीज के बारे में सुना होगा लीप ईयर, जो कि हर 4 साल में आता है, लीप ईयर के बारे में सुना है। अब लीप ईयर क्यों होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है 4 साल बाद, यह क्यों होता है, फरवरी में 29 तारीख होती है, ये क्यों होता है, वो इसी के वजह से होता है क्योंकि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, यानी कि 365 दिन में एक चक्कर लग रहा है और 5 घंटे 48 मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट 6 घंटे धरती ले रही है, एक साल 6 घंटे मान के चलिए। अब देखिए
एक साल 6 घंटे, दूसरे साल जब ये चक्कर लगाएंगे 6 घंटे, फिर ये कितना हो जाएगा, जब 24 घंटे हो जाएंगे तभी तो एक दिन हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे होने के बाद यहाँ पर 366 दिन हो जाएंगे। एक साल में चक्कर पूरा किया तो यहाँ पर लगभग 6 घंटे बच गए, दूसरा साल गया 6 घंटे वहां पर हो गए, टोटल 12 घंटे, तीसरा साल गया 6 घंटे वहां पर एक्स्ट्रा लगे, कितना हो गया 18 घंटे, चौथा साल गया वहां पर 18 के बाद कितना हो गया ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गया, जहां पर ये 6-6 घंटे मिलकर 24 घंटे बना देते हैं, और उस 24 घंटे का पूरा हो जाता है एक दिन, जिसकी वजह से 365 की जगह टोटल हो जाते हैं 366 दिन, इसीलिए वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, और इसी वजह से होता है लीप ईयर। आई होप मैं आपको समझा पाया होगा ये चीज। अब अर्थ के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो 71% है, और जो अर्थ की एज है यानी कि अर्थ की उम्र कितनी है वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर है, यानी कि 4.6 अरब साल हो गए हैं अर्थ को एग्जिस्ट करते हुए। इसकी अपनी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं मून। अब सैटेलाइट क्या होता है, आपने हमेशा न्यूज वगैरह में सुना होगा कि इसरो ने एक नई सैटेलाइट मून के ऊपर भेज दी, एक नई सैटेलाइट लॉन्च कर दी, या फिर नासा ने सैटेलाइट लॉन्च की। सैटेलाइट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपग्रह, लेकिन जो सैटेलाइट धरती से लॉन्च की जा रही है वो है एक आर्टिफिशियल उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, लेकिन इसकी अपनी एक प्राकृत नेचुरल उपग्रह है अर्थ का, जिसको बोलते हैं मून यानी कि चांद। डिस्टेंस फ्रॉम मून यानी कि अर्थ से जो मून की डिस्टेंस है वो लगभग 384,365 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा है। अब देखिए अर्थ के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट यानी कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट के लगभग 8,848 मीटर की ऊंची चोटी है, और जो डीपेस्ट यानी कि सबसे गहराई वाला पॉइंट है अर्थ के ऊपर वो मरीना ट्रांस है, लगभग 11,033 मीटर वो गहराई में पॉइंट है। अब भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है पेरिहेलियन, ये कब होता है फ्रेंड, जब अर्थ सन के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंच जाती है उस सिचुएशन को बोलते हैं पेरिहेलियन। ये कब होता है फ्रेंड्स, अर्थ सन के किस तरीके से चक्कर लगा रही है, ऐसे इलेप्टिकल लगा रही है, ना कि गोल गोल, इलेप्टिकल लगाती है। तो साल में 6 महीने के अंदर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब अर्थ सन के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगी, तो यही वो सिचुएशन है पेरिहेलियन, और ये एक प्रॉपर डेट है जब एग्जैक्ट सबसे नजदीक होती है अर्थ सन के। किस डेट में पहुंचती है, 3 जनवरी, 3 जनवरी को अर्थ सन के सबसे ज्यादा नजदीक होती है, इस डेट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से आपका डाउट निकल के आएगा। एक टर्म होती है एफेलियन, एफेलियन ये टर्म वो है जब सन से सबसे ज्यादा दूरी पर अर्थ पहुंच जाती है, ठीक है, ऐसे घूम रही है इलेप्टिकली, यहां पे सबसे ज्यादा नजदीक है, 6 महीने के बाद सबसे ज्यादा दूर भी जाएगी, ठीक है, जब सबसे ज्यादा दूर है उसे एफेलियन बोलते हैं, और ये एक प्रॉपर डेट है 4 जुलाई, 4 जुलाई को अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। अब दोनों टर्म आपके माइंड में भोचाल मचाने वाली है, किस तरीके से, आपने देखा 4 जुलाई को भाई अर्थ सबसे ज्यादा दूर है, लेकिन इंडिया के अंदर फिलहाल जुलाई चला हुआ है, लास्ट डेट है आज, और जुलाई के अंदर गर्मी जो पीक पर पहुंच जाती है, गर्मी सबसे ज्यादा लगती है, जब अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूर है 4 जुलाई को, फिर 4 जुलाई को इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है, अर्थ तो बहुत ज्यादा दूर है, सर्दी होनी चाहिए, और जबकि 3 जनवरी को अर्थ सबसे ज्यादा नजदीक है सन के, और तब सर्दी पड़ती है बहुत ही भयंकर, ऐसा क्यों हो रहा है, अर्थ नजदीक आ रही है गर्मी हो रही है, अर्थ दूर जा रही है तो सर्दी हो रही है, ये क्यों हो रहा है, माइंड में आया ना आपके डाउट। तो ये कॉन्सेप्ट आपका एक वीडियो के थ्रू क्लियर करता हूं, पहले आप डेट नोट कर लीजिए, 3 जनवरी को अर्थ सबसे ज्यादा नजदीक होती है सन के, और 4 जुलाई को अर्थ सबसे ज्यादा दूर होती है सन के। तो चलिए यार वीडियो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मान लीजिएगा कि ये अर्थ का एक्सिस है जो कि बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने एक्सिस पर इस तरीके से, और ये अर्थ के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से इस तरीके से झुकी हुई है अर्थ, और इसी तरीके से ये सन के चारों ओर घूम भी रही है और अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है। वीडियो को पॉज कर देता हूं, आप अच्छे समझेंगे। ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम हो गया, बीच में सन है, ठीक है, ये पृथ्वी हमारी घूम रही है, ये जो डिस्टेंस है मान लीजिएगा कि ये ज्यादा डिस्टेंस है, मानना क्या है ही ये ज्यादा, और ये हमारी कम डिस्टेंस है, यानी कि अर्थ यहां से चलेगी वहां पर कम डिस्टेंस वाली 6 महीने बाद पहुंचेगी, फिलहाल यहां पर है। इंडिया के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, फिलहाल जुलाई चल रहा है, ठीक है,
4 जुलाई को मैंने आपको बताया जो सन होता है वो सबसे ज्यादा दूरी पर होता है, लेकिन इंडिया के अंदर फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ पर समर चल रही है, सबसे ज्यादा दूरी पर है अर्थ, लेकिन अर्थ यहाँ पर झुकी हुई है, मैंने आपको बताया झुकी हुई होती है 23.5 डिग्री, और ये जो नॉर्थ पोल है ऊपर वाला पोल ये इसी से ही झुकी हुई है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर समझने वाला है, जो गर्मी होती है ना 4 जुलाई को सबसे ज्यादा, वो पूरी पृथ्वी पर नहीं होती, वो केवल नॉर्थ पोल पर ही होती है। ये देखिए, भले ही सबसे ज्यादा दूरी पर हो लेकिन नॉर्थ पोल जो है वो पृथ्वी का झुका हुआ है ऊपर से सूरज की ओर, इसी वजह से किरणें वर्टिकली डायरेक्टली पड़ रही है, और दूर होने के बावजूद भी जुलाई में सबसे ज्यादा गर्मी इसलिए होती है नॉर्थ पोल पर, लेकिन साउथ पोल पे नहीं होगी क्योंकि साउथ पोल है दूरी पर, साउथ पोल यहां पर झुका हुआ है, किरणें डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रही है सूरज की, इसलिए गर्मी नहीं हो रही है। तो ये पूरा फंडा है, पृथ्वी झुकी हुई है ना कि स्ट्रेट ऐसे गोल गोल घूम रही है। अब देखिए, पृथ्वी यहां से घूम के वहां पर भी जाएगी, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ये गई, ये गई, अब ये नजदीक आ गई है, ठीक है। एक और चीज आपने यहां पर नोटिस की होगी, ये गई नजदीक, नॉर्थ पोल अभी तो यहां पर झुका हुआ था लेकिन अब ये पीछे कैसे हो गया, ठीक है। अभी झुका हुआ ही होना चाहिए था, ये भी डाउट क्लियर करूंगा, पहले ये समझ लीजिए। धरती जैसे ही नजदीक आई विंटर इसलिए हो गई नॉर्थ पोल के ऊपर क्योंकि ये उधर को झुक गया, ठीक है। अभी तो इधर को झुका हुआ था लेकिन 6 महीने बाद ये उधर को कैसे झुक गया, यानी कि उल्टी साइड से कैसे झुक गया। साउथ पोल है, यहां पर गर्मी हो गई, नॉर्थ पोल पे फिर से विंटर हो गई, ऐसा कैसे। नॉर्थ पोल तो सूरज की तरफ को झुका हुआ था, ठीक है, अंदर की साइड झुका हुआ था, ये कैसे हुआ। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो को थोड़ा सा आगे करते हैं। अब देखिए, जो धरती है ना रोटेट करती है, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करती, वो लट्टू की तरह घूमती है, यानी कि ऐसे घूमती है। जो नॉर्थ पोल है ना, ये कभी आगे आएगा कभी पीछे आएगा, कभी सूरज की तरफ को झुकेगा कभी बाहर की तरफ को झुकेगा, जैसे ये चक्कर लगाती रहेगी। तो पृथ्वी इस तरीके से रिवॉल्व और रोटेट करती है, नॉर्थ पोल कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, इस वजह से होता रहता है। जब 6 महीने बाद सबसे नजदीक जाती है पृथ्वी, तब जो नॉर्थ पोल है वो पीछे चला जाता है, और जब दूर जाती है वो नॉर्थ पोल है वो आगे झुक जाता है। इसी वजह से दूर जाने पर भी पृथ्वी के ऊपर गर्मी होती है और नजदीक आने पर पृथ्वी के ऊपर सर्दी होती है नॉर्थ पोल के अंदर, ठीक है। पूरी पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, नॉर्थ पोल की केवल बात हो रही है। आई होप डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि पृथ्वी बस ऐसे ही घूम रही है, नहीं, लट्टू की तरह घूम रही है, हलती डुलती ऐसी ऐसी जा रही है ये। तो फाइनली यार आप समझ गए होंगे 3 जनवरी और 4 जुलाई वाला फंडा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, यहां पर मैंने नोट किया है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो डे और नाइट होते हैं, यानी कि दिन रात होते हैं, वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, बराबर होता है, यानी कि उतने ही घंटे की दिन होती है उतने ही घंटे का रात होता है। और साथ ही नॉर्थ पोल के अंदर 21 जून को लार्जेस्ट डे, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, नॉर्थ पोल की मैं बात कर रहा हूं जो अभी फंडा बताया। इसी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग बात करते हैं क्योंकि पृथ्वी ऐसे डोलते हुए घूम रही है। और 22 दिसंबर को स्मॉलेस्ट डे होता है। अब देखिए, आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से मुंह से एक चीज सुनी होगी, 25 दिसंबर को क्या होता है, 25 दिसंबर को होता है हमारा क्रिसमस। तो उस दिन बड़े बुजुर्ग आपके घर वाले भी कहते होंगे कि आज बड़ा दिन है, ठीक है, क्रिसमस नहीं बोलेंगे, बड़ा दिन बोलते हैं। बड़ा दिन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर नॉर्थ पोल के अंदर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर 24 दिसंबर को थोड़ा थोड़ा दिन के अंदर फर्क लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है, इसलिए उसको बड़ा दिन बोल देते हैं। अब नॉर्थ पोल के अंदर 21 जून को बड़ा दिन क्यों होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन क्यों होता है, यानी कि 21 जून ऐसी तारीख है जब सबसे बड़ा दिन होगा, यानी कि सबसे ज्यादा घंटे, सबसे ज्यादा, यानी कि सूरज जो है वो लेट डूबता है, वो इसी वजह से डूबता है, इसी फंडे की वजह से, क्योंकि नॉर्थ पोल इस तरीके से झुका हुआ है सूरज की ऊपर की जब किरणें वर्टिकली पड़ते हैं। यानी कि यार एक चीज देखिए, नॉर्थ पोल की हम बात कर रहे हैं, एक आपने सुना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा जो होती है, 21 जून को इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर जितने भी देश आते हैं पृथ्वी के ऊपर, जो सनलाइट है वो वर्टिकली डायरेक्ट पड़ती है, इसीलिए सूरज है लेट डूबता है, इसलिए दिन बड़ा होता है। दिन छोटा कैसे होता है 22 दिसंबर का, वो इसलिए होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यानी कैप्रिकॉन है जो कि विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि साउथ पोल में होती है,
वहां पर सूरज तब वर्टिकली पड़ता है, ठीक है, तब वहां पर होता है, यानी कि उल्टा होगा। नॉर्थ पोल में जब दिन बड़ा हो रहा है तो साउथ पोल में छोटा होगा, साउथ पोल में जब दिन बड़ा हो नॉर्थ पोल में छोटा होगा, वो कारण यही है। जब यहां पर देखिए नॉर्थ पोल है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, 21 जून की बात है, बड़ा दिन हो रहा है नॉर्थ पोल में, यहां पर डायरेक्ट वर्टिकली पड़ रही है, जो हमारा साउथ पोल है ऑलमोस्ट पूरा कवर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर साउथ पोल पे पड़ेगी तो नॉर्थ पोल हमारा कवर्ड हो जाएगा, तो यही बड़ा कारण है इसका, बड़ा दिन और छोटा दिन होने का, समझ गए ना। तो अर्थ आई होप यहां पर खत्म होता है। अर्थ के बाद पढ़ते हैं हम थोड़ा सा मून के बारे में। मून इसकी अपनी एक पर्सनल सैटेलाइट यानी कि एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो मून है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, रोटेट भी करता है, इस तरीके से भी घूमता है। जो रोटेशन टाइम पीरियड और रिवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो मून का बिल्कुल सेम है, यानी कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट के अंदर वो रोटेट भी कर लेता है और इतने ही टाइम के अंदर वो रिवोल्व यानी कि पृथ्वी के चक्कर भी लगा देता है। जो सन से इसकी दूरी है मैं आपको बता चुका हूं, लगभग 384,365 किलोमीटर इसकी सन से दूरी है। और बाकी ऐसा दिखाई देता है हमारा मून, यानी कि ऐसे पैरों के निशान भी है। बोला जाता है जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे सन मून के ऊपर तो उनके जो पैरों के निशान इस टाइप के लगे थे, वो आज भी ऐसे के ऐसे है, क्योंकि मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर यानी कि हवा तूफान वगैरह नहीं है, बारिश वगैरह नहीं है, इसलिए जो ऐसा है अब तक वो ऐसा का ऐसा ही है। नेक्स्ट है, उसके बाद आते हैं अर्थ के बाद हमारा रेड प्लेनेट, जिसको जानते हैं मार्स यानी कि मंगल ग्रह के नाम से, जो कि पृथ्वी का 687 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि लगभग दोगुने से भी ज्यादा, मतलब दोगुने से कम टाइम लेता है थोड़ा सा पृथ्वी के। हाईएस्ट जो इसका पॉइंट है निक्स ओलंपिया, यानी कि इसके ऊपर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया, और इसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्स के ऊपर जो हाइएस्ट पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, निक्स ओलंपिया के नाम से जाना जाता है। इस तरीके का मार्स दिखाई देता है, एक सॉलिड सर्फेस का प्लेनेट है, और सबसे ज्यादा रिसर्च इसी के ऊपर साइंटिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चांसेस है कि यहां पर वाटर या फिर ऑक्सीजन मिल सके, और इसी के ऊपर सभी ने अपने रोवर वगैरह सैटेलाइट वगैरह इसके ऑर्बिट में भेज रखे हैं। तो जबरदस्त रिसर्च इसके ऊपर चालू है। इसके बाद आता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट, जिसको हम जानते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह के नाम से। इसको बाउल ऑफ ऑक्सीजन बोला जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का गोला इसको बोला जाता है। इसके ऊपर 4 डिफरेंट टाइप की गैसेस सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ओमोनियम गैस इस पे सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है। और इसके पास जो अपनी खुद की सैटेलाइट है यानी कि नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि अर्थ के पास मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट, इसकी भी अपने कुछ सैटेलाइट है, लगभग 79 सैटेलाइट इसके खुद की फिलहाल प्रेजेंट के टाइम में नॉन सैटेलाइट जिनके बारे में जानकारी मिली है हमें, ठीक है। ये जो अपना चक्कर पूरा करता है अर्थ का, वो लगभग 12 साल में एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि 12 साल लग जाते हैं इसको एक चक्कर पूरा करने में। यह है हमारा जुपिटर, जिसके ऊपर केवल गैस है, गैस इस तरीके की गैसेस इसके ऊपर फैली हुई है, और कोई भी सॉलिड ये प्लेनेट नहीं है, पूरा गैसियस प्लेनेट इसको बोला जाता है। मैंने आपको बता दी कौन कौन सी गैसेस इसके ऊपर है। नेक्स्ट है, मैं आपको बताऊं स्टीफन हॉकिंग थे, वो हमेशा कहा करते थे कि हमारे ऐसे प्लेनेट है जिनके ऊपर गैस ही गैस है, और वहां से हम फ्यूल वगैरह लेकर आ सकते हैं फ्यूचर में, कभी अगर ऐसा हुआ जैसे कि जुपिटर, उसके ऊपर बहुत लंबी पाइपलाइन बिछाएंगे, लेकिन इतना मटेरियल नहीं है हमारी अर्थ के ऊपर कि इतनी दूर तक हम पाइपलाइन बिछा सके, क्योंकि इतनी गैसेज है, यहां से अगर गैसेज लाई जा सके तो फ्यूल वगैरह सब कुछ फ्री। नेक्स्ट है, सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट जिसको बोला जाता है वह हमारा सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। इसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट इसके पास है, 82 नॉन सैटेलाइट सैटर्न के ऊपर फिलहाल एग्जिस्ट कर रही हैं। सैटर्न की सबसे ज्यादा पहचान यही है कि इसके चारों ओर एक बेल्ट बनी हुई है, यानी कि इसकी जो खुद की नेचुरल सैटेलाइट है ना एस्ट्रॉइड वगैरह, वो उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि चक्कर लगा रहे हैं, बहुत ही स्पीड से चक्कर लगाते हैं और बहुत ज्यादा है, इसी वजह से एक ऐसी बेल्ट यानी कि एक ऐसा रास्ता बना दिखाई देता है। इसकी जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है वो टाइटन सैटेलाइट है। ये जो एक चक्कर सन का पूरा करता है वो 29 साल में करता है, और ये सबसे लोअर डेंसिटी यानी कि इसका सबसे कम घनत्व है। ये कहा जाता है कि अगर सैटर्न को पानी में छोड़ दिया जाए तो ये पानी में तैरना लगेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम डेंसिटी है, ठीक है, घनत्व बहुत कम है। इसके ऊपर जो गैसेस है ये भी एक गैसियस प्लेनेट है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, इसके ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में गैसेस पाई जाती है।
नेक्स्ट है हमारा जाता है यूरेनस, जिसको हम बोलते हैं अरुण ग्रह के नाम से। यूरेनस को ग्रीन प्लेनेट भी बोला जाता है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह इसको कहा जाता है, नंबर ऑफ सैटेलाइट इसके पास 27 है। ये जो अपना एक चक्कर लगाता है सन के चारों ओर, वो 84 दिन में लगाता है, ये रोटेट करता है, वो ईस्ट टू वेस्ट करता है। मैंने आपको बताया विनस और जो यूरेनस है, ये दोनों बाकी ग्रहों के कंपैरिजन में उल्टी दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। फाइनली आते हैं हमारा लास्ट प्लेनेट, जिसको हम बोलते हैं नेपच्यून, ठीक है, वरुण ग्रह इसको हिंदी में बोलते हैं। ये भी एक गैसियस प्लेनेट है, फोर्थ बिगेस्ट प्लेनेट को बोला जाता है, अर्थ से पहला बड़ा ग्रह, मोस्ट कूल है, सबसे ठंडा प्लेनेट है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि भाई आठों ग्रहों में से सबसे ठंडा प्लेनेट कौन सा है, तो वो है हमारा नेपच्यून, क्योंकि सबसे ज्यादा दूरी पर है सन से, इसी वजह से सबसे ठंडा प्लेनेट है। इसके ऊपर मिथेन गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, नंबर ऑफ सैटेलाइट इसकी खुद की 14 है। ये जो अपना एक चक्कर पूरा करता है सन का, वो 165 साल में करता है। ये थोड़ा ग्रीनिश टाइप का दिखाई देता है, क्योंकि इसके ऊपर मिथेन गैस है, तो ऐसा थोड़ा हरा हरा टाइप का भी ये दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा लास्ट ग्रह। फाइनली बात करते हैं भाई सोलर एक्लिप्स के बारे में। सोलर एक्लिप्स किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह आपने सुना होगा, कई बार होता है जो सूरज है दिखाई नहीं देता, ऐसा रिंग के टाइप का सूरज दिखाई देने लगता है, और घर वाले बोलते हैं कि जब सूर्य ग्रह हो रहा है तो उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए, आंखें खराब हो सकती है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा दिखाई देता है, यानी कि ऐसे एक रिंग सा बन जाता है सोलर इक्लिप्स में, यानी कि सूर्य ग्रह में। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? फिर धीरे धीरे आधा आधा दिखाई देने लगता है, और फिर धीरे धीरे पूरा विजिबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये इमेज देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सन, यानी कि सूरज है, और ये है हमारी अर्थ, जहां पर हम फिलहाल बैठे हुए, जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आपको पता है अर्थ के चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहा है? हमारा सन, अपनी जो खुद की सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, तो सन चारों ओर चक्कर लगाता है। तो साल में यार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब सन और अर्थ के बीच में हमारा मून आ जाता है। अर्थ है ऐसे, मून चल के आ गया बीच में, और ये सन है, सन की यहां से रेज जा रही है। अब अर्थ से जब आप सन को देखोगे, बीच में आपको मून नजर आएगा। मून आने के कारण जो रेज है वो पूरी तरीके से अर्थ के ऊपर नहीं पहुंच पाती, इसी वजह से आधा ऐसा रिंग बना हुआ हमें मून सन दिखाई देता है, क्योंकि बीच में अड़ गया है हमारा, मतलब आ गया है जो कि हमारा है मून। तो हानिकारक क्यों होती है रेज सूर्य ग्रहण में? क्यों नहीं देखना चाहिए सूरज की तरफ को? वो इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि जब मून बीच में आ जाते हैं, तो जो किरणें हैं सूरज की, वो पृथ्वी पे नहीं आ पाती, उनको रास्ता चाहिए। अब थोड़ा बहुत जो स्पेस बचता है, यानी कि चंद्रमा के आसपास से निकल के वो रेज आने लग जाती हैं, उनके पास जगह कम है आने के लिए, इसी वजह से वो रेज है ना, जो सूरज कौन सी रेज छोड़ता है? अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, यूवी रेज से कैंसर होता है। तो वो यूवी रेज बहुत ही स्पीड से आने लग जाती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अगर नली है मान लीजिएगा, ठीक है, उससे पानी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, स्लो स्लो पानी आ रहा है। अगर उस नली को छोटा कर दिया जाए और पानी का फ्लो उतना ही रहे, तो पानी जो है ना वो बहुत ही स्पीड से आने लग जाएगा, वो चोट मारने लगेगा आपको। तो इसी वजह से वो रेज, यूवी रेज बहुत ही स्पीड से आने लग जाती है, जहां से उनको रास्ता मिल रहा है वहीं से आती है, और स्पीड से आने के लिए, आने के कारण वो हमारे लिए हानिकारक होती है, इसलिए उनको नहीं देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में मून आ जाता है, चंदा मामा आ जाते हैं, तब होता है सोलर इक्लिप्स। बात करते हैं ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में। ल्यूनर इक्लिप्स को बोलते हैं चंद्र ग्रहण, जो कि साल में कई बार भी हो सकता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण में आपको जो चांद है, चंद्रमा है, वो आधा दिखाई देता है। पहले ऐसा आधा कटा हुआ दिखाई देगा, फिर धीरे 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 विजिबल होने लग जाता है। ये कब होता है? ये देखिए, ये है हमारा सन, सन की रेज आ रही है पृथ्वी पर, पृथ्वी हमारी ये है, और ये होता है मून। इसमें हमें मून, चंद्रमा आधा दिखाई देता है, पहले नहीं दिखाई देता, फिर आधा आधा दिखाई देता है। क्यों? क्यों मून जो है, मून के पास अपनी तो भाई कोई लाइट नहीं है, वो कोई लाइट प्रोड्यूस तो नहीं करता। रात में आपको जो मून दिखाई देता है, उसका मतलब ये नहीं है कि मून चमक रहा है, चंद्रमा कोई लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, वो कोई लाइट खुद से प्रोड्यूस नहीं करता। जो लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो सन कर सकते हैं, फिर तारा कर सकते हैं, और सन एक स्टार ही है, इसलिए केवल पूरे सोलर सिस्टम में सन ही लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो हमें मून दिखाई देता है ना रात में भी, वो इसलिए दिखाई देता है
क्योंकि जो सन की लाइट है वो मून के ऊपर पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके धरती पर आ रही है, इसी वजह से हमें वो मून चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन चंद्र ग्रहण में पृथ्वी जो है वो बीच में आ जाती है मून के, जिस वजह से जो सन की पूरी रेज है, लाइट है, वो पृथ्वी रोक लेती है और आगे जो मून है उस तक नहीं पहुंच पाती और मून हमें नहीं दिखाई देता। जैसे ही पृथ्वी धीरे 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 आगे बढ़ती है, सन की थोड़ी थोड़ी लाइट मून के ऊपर पड़ने लग जाती है, तो हमें थोड़ा आधा 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 मून दिखाई देने लग जाता है। इसीलिए होता है हमारा ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। क्लियर है ये चीज? डाउट क्लियर हो गया ना? चंद्र ग्रहण हानिकारक नहीं होता, उसको हम देख सकते हैं नेक्ड आई से, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि किरणें है ना जो सूरज की, वो रिफ्लेक्ट होके आती हैं। एक होता है फ्रेंड्स नोवा, नोवा स्टार बोलते हैं, सुपरनोवा। नोवा क्या होता है? देखिए फ्रेंड, जब भी कोई स्टार, जब भी कोई तारे की जो किरणें हैं उसकी रोशनी है वो 10 से 20 मैग्नीट्यूड तक बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं नोवा। और एक होता है सुपरनोवा, जब भी किसी स्टार की किरणें 20 मैग्नीट्यूड से ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी ऊर्जा 20 मैग्नीट्यूड से ज्यादा बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं सुपरनोवा। और जो सुपरनोवा है अपने आप को नष्ट कर लेता है पूरी तरीके से, लेकिन जो नोवा तारा होता है वो अपनी भारी सतह पर ही केवल नष्ट होता है, अपने आप को पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाता। तो ये होता है नोवा और सुपरनोवा। अब फाइनली बात करते हैं यार अर्थ के बारे में थोड़ा सा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैं इसी वीडियो में कवर करा रहा हूं, पता है मुझे लेंथी हो रही है लेकिन कवर कराना जरूरी है। अर्थ के अंदर अगर हम आए तो अर्थ पे हमारा एटमॉस्फेयर है प्रॉपर, ओजोन लेयर के बारे में सुनी होगी आपने, सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो अर्थ है, अब हम अर्थ के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब जहां पर हम खड़े हैं धरती है यानी कि सरफेस है, इससे ऊपर ऊपर के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि अर्थ से धरती से 18 किलोमीटर तक हमारी एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। तो टोटल 5 लेयर ऑफ हमारी एटमॉस्फेयर है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर जिसको बोलते हैं, और एक्सोस्फेयर है। इन लेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, बेसिक है वैसे तो जानते ही होंगे। सबसे पहले तो एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखो, पहले कौन सी लेयर है, उसके बाद कौन सी लेयर है, उसके बाद कौन सी लेयर है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, देखिए आपको जो जाना है अल्फाबेटिकल डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो जो ABCD अल्फाबेट है ना हमारे, उनमें भी आप नीचे से ऊपर जाओगे। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस टी से बन रहा है तो एस से पहले क्या आता है, एस के बाद आता है ना ST, तो पहले टी आ गया, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आ गया, एस आ गया, फिर मेसोस्फेयर आ गया, फिर थर्मोस या फिर आइनोस्फेयर, यहां पर आइनोस्फेयर आप नोट करिएगा, आइनोस्फेयर, और फिर आता है हमारा एक्सोस्फेयर। तो ये अल्फाबेटिकल है, EIMST, तो अल्फाबेटिकल आप इसको ऊपर से याद कर सकते हैं, वैसे नीचे से चलती है। क्लियर है ये चीज? तो नाम आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही क्लियर कर लोगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पहली लेयर के बारे में जो कि हमारी ट्रोपोस्फेयर यानी कि सबसे जो निचली लेयर है, यानी कि धरती की जो सतह है उससे 18 किलोमीटर ऊपर तक हमारी ट्रोपोस्फेयर एग्जिस्ट करती है। इसमें जितने भी मौसम की घटनाएं हैं, बारिश आ रही है गर्मी हो रही है, तो ये जो सब मौसम की घटनाएं हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही घटती हैं। जो हमारे विमान वगैरह उड़ते हैं यानी कि जहाज वगैरह, वो भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही हैं, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है यानी कि ऊपर अगर जाते रहेंगे, ट्रोपोस्फेयर में जाते रहेंगे 18 किलोमीटर तक, तो लगभग 11 किलोमीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस गिरता चले जाएगा। इसकी जो टेम्परेचर होता है ट्रोपोस्फेयर का वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर -56.5 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये खास बात है ट्रोपोस्फेयर की। नेक्स्ट आता है, उसके ऊपर चले जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर है 11 से या फिर 18 से मान के चलिए, वैसे 11 से ही बोलेंगे, 18 से 50 किलोमीटर तक की दूरी ऊपर, यानी कि पहले 18 किलोमीटर तक तो हमारी हो गई ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद 18 से 50 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएं उसके बाद आ जाती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी के अंदर एग्जिस्ट करती है O3 यानी कि ओजोन लेयर, जो कि हमारे यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, जो सूरज से हानिकारक किरणें आ रही हैं, पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, उनको रोकती है, ठीक है। तो यहां पर ही ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है स्ट्रेटोस्फेयर में। इसका जो टेम्परेचर है वो -56 से -2 डिग्री के आसपास होता है। यहां पर टेम्परेचर कहा जाता है कि स्टेबल रहता है, यानी कि कम ज्यादा थोड़ा बहुत वेरी करता है। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे वो होता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर का जो डिस्टेंस होती है वो लगभग 40 से
50 किलोमीटर से लेकर 80 से 90 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर तक तो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर थी, उससे ऊपर अगर हम 90 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, ठीक है, 50 से 90 किलोमीटर, तो हमारी आ जाती है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ उल्कापिंड जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि कुछ जो मेट्रोइड हैं, वो पृथ्वी के ऊपर भी आ जाते हैं, यानी कि जो तारे अपने आप को नष्ट करते हैं, उनके जो पार्टिकल हैं वो पृथ्वी के ऊपर भी आ जाते हैं। बड़ी बड़ी चट्टाने जो आती है ना, वो पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं, कुछ गिर पाती हैं और कुछ नहीं गिर पाती। वो किस कारण की वजह से नहीं गिर पाती? मेसोस्फीयर जो लेयर है इसकी वजह से नहीं गिर पाती, क्योंकि ये मेसोस्फीयर एटमॉस्फेयर का जो एक लेयर का पार्ट है, इसी में ही नष्ट हो जाते हैं। ये जो मेट्रोइड्स हैं, ये इसी के अंदर नष्ट हो जाते हैं मोस्टली, इसी वजह से वो ज्यादातर पृथ्वी के ऊपर नहीं गिर पाते। फाइनली आती है हमारी 90 से 800 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे, वो आ जाती है हमारी थर्मोस्फीयर, या फिर इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रसारण होते हैं ना, टीवी टेलीविजन के रेडियो प्रसारण, जो रेडियो की किरणें भेजा जाता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव किरणें जो पृथ्वी से भेजा जाता है प्रसारण करने के लिए, वो आयनोस्फीयर पे रिफ्लेक्ट होके आती है। ऊपर जो सैटेलाइट घूम रही है पृथ्वी के बाहर, वहां से किरणें आती है आयनोस्फीयर तक, यहां से रेडियो किरणें भेजी जाती है आयनोस्फीयर तक, वहां पर रिफ्लेक्ट हुए, वहां पर सिग्नल मिला और दोबारा से पृथ्वी के ऊपर आ जाती है। तो क्वेश्चन कई बार बन जाता है, जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर पर टकरा के वापस आती है? वो है हमारी आयनोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर। क्लियर है चीज? फाइनली सबसे ऊपरी जो लेयर है वो है हमारी एक्सोस्फीयर, यानी कि जिसमें स्पेसशिप वगैरह जाता है, यानी कि यहां पर हमारा अंतरिक्ष आ चुका है। इसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग 800 से 3000 किलोमीटर ऊपर तक हमारी एक्सोस्फीयर एग्जिस्ट करती है। बाकी जो स्पेस की घटनाएं हैं वगैरह, वो सब हमारी एक्सोस्फीयर में ही होती है। क्लियर है ये चीज? इसको बोलते हैं ब्रह्ममंडल, ब्रह्ममंडल बोलते हैं एक्सोस्फीयर को हिंदी में, इसको ट्रोपोस्फीयर को शोभ मंडल बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं, मैंने नोट करके रखा था इसको। शोभ मंडल होती है हमारी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर होती है समताप मंडल, मध्य मंडल होती है मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर आयन मंडल होता है, और ब्रह्ममंडल होता है हमारा एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये होता है हमारा हिंदी में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये शायद हमारा लास्ट था आज, मतलब लास्ट था ये इस लेक्चर का यूनिवर्स से रिलेटेड। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुके हैं, इसी लास्ट में थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग लेंथी वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बस मैक्सिमम 30 मिनट देखना चाहते हैं। टाइम बिल्कुल भी मैंने वेस्ट नहीं किया, फालतू की कोई भी बकवास नहीं की, फटाफट मैंने आपको कवर करा है, और जो इंपॉर्टेंट है केवल वही कवर करा है, फालतू का कुछ भी आपके सामने डिस्कस नहीं किया। अगर ये आपने कवर कर लिया ना, इसके बाद यूनिवर्स से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, गारंटी लेता हूं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल आप पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो, लेकिन सबसे जरूरी होता है उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओ खुद से, या फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, तब जाके एडवांस लेवल की प्रैक्टिस होती है। बाकी इंपोर्टेंट ही कवर किया है, कुछ भी फालतू का कवर नहीं किया, जो कि एग्जाम के पॉइंट से इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट जो लेक्चर ज्योग्राफी का आ रहा है, उसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को हम डिटेल से कवर कर लेंगे, और पूरा ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे। ये था केवल हमारा एक यूनिवर्स और अर्थ के बारे में थोड़ा सा। पसंद आयो लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।